शुरुआत करते हैं खबरों की। भिवानी में बिजली निगम में डीसी रेट कार्यरत कर्मचारी बिजली का तार जोड़ने गए थे। बिजली का तार जोड़ने के वक्त ही मैनपाल की बैक करंट आने की वजह से मौके पर ही मौत हो गई। गांव चांग निवासी करीब 35 वर्षीय मैनपाल अपने मामा के गांव तिगड़ाना में रहता था। निगम में सूचना आई कि रात को हलुवास फीडर पर बिजली का तार टूट गया है। इसे ठीक करने के लिए मैनपाल अन्य कर्मचारियों के साथ वहां पहुंच गया। नियम के मुताबिक उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन अचानक बैक करंट आने से मैनपाल की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर परिजन व अन्य बिजली कर्मचारी नेता मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। मैनपाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। यहां बिजली कर्मचारियों ने मृतक मैनपाल के परिजनों को नियम के मुताबिक 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग को लेकर हंगामा किया और मदद न मिलने पर शव लेने से इनकार कर दिया। आनन फानन में निगम के एक्सीएन संजय दंगा मौके पर पहुंचे और हेड क्लर्क को कहकर मृतक के परिजनों की आर्थिक सहयोग के लिए तुरंत 10 लाख रुपए का चेक बनवाया और परिजनों को सौंपा। इसके बाद बिजली कर्मचारी नेता शांत हुए और पुलिस ने कागजी कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा। देखिए, ये काम करते वक्त कल हलवास फीडर एक फीडर निकला हुआ है जो देवसर के साथ साथ गुजरता है वो, और वहाँ कोई तार टूटा हुआ था। उस तार को जोड़ने के लिए साथी गए थे, देवसर मोड़ के करीब की बात है ये। ऊपर चढ़ के इन्हें तार जोड़े है, तार जोड़ने के बाद में पीछे से हम तार हटा देते हैं जिसको जम्फर बोलते हैं ना, वो जम्फर दो जोड़ दिए थे, तीसरा जम्फर जोड़ने लगे। जब कहाँ से आई है, कोई क्रॉसिंग टच हुई है, हवा भी चल रही थी, ये भी मानते हैं हम भाई हो सकती है क्या क्रॉसिंग भी टच हो जाए, और ये भी हो सकता है कि वह किसी जनरेटर की भी बैक आई हो। इसके ऊपर कार्रवाई एक्शन साहब कल शाम ने 11 बजे तक वहाँ थे, एसडीओ भी थे, एक्शन भी थे, हम इस डेड बॉडी के पास यहीं थे। और अब भी ये दस संस्कार के बाद में हम एक्शन साहब ने ये कहा है कि भाई मैं खुद जाऊंगा एसडीओ को और जेई को लेकर के, वो देखेंगे जगह कहाँ से आई है ये बाइक और उस पर कार्रवाई करवाने की कोशिश में हम रहेंगे। जिसका फॉल्ट होगा उसको दोषी, उस दोषी को सजा दिलवाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे। ये हादसा हलुवास फीडर है सब डिवीजन नंबर 2 भिवानी के अंदर, उसके ऊपर हुआ था रात को तकरीबन 8 बजे के करीब, 7:45 के करीब। और उसके ऊपर हमारा जो डीसी रेट का कर्मचारी था मैनपाल गांव चांग का, और उसके इलेक्ट्रिक्यूशन के कारण उसकी डेथ हो गई थी। और हादसा कहीं ना कहीं उसकी बैक सप्लाई आई है, मैंने रात को लगभग 11 बजे साइड भी देखी थी तो स्विच कटा हुआ था, स्विच कटा हुआ था तो इसका मतलब फीडर की सप्लाई तो नहीं आने लग रही है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी जनरेटर के कारण या किसी बैक सप्लाई कहीं ना कोई क्रॉसिंग पे तार टच करा हो, लेकिन क्रॉसिंग हमने चेक करी तो ऐसा कोई दिखा नहीं। इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा वही है कि कोई ना बैक सप्लाई किसी फीडर की या जनरेटर की आई है। मृतक हमारे परिवार का एक हिस्सा है, उसको 10 लाख का तुरंत एक चेक हम प्रदान करने लग रहे हैं जो कंपनसेशन पॉलिसी के तहत है, वो अभी हम देने लग रहे हैं। और उसकी जो ईपीएफ ईएसआई के कारण जो पॉलिसी है उसके आधार पे उसकी पेंशन बन जाएगी जो उसके परिवार को मिलेगी।